ओके गाइज, सो सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा यार, ये जो राइट साइड में घंटी का आइकन है इसे भी प्लीज यार इनेबल करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। सो प्रेस द बेल आइकन। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया ज़ाइलम फार्मा कंपनी ने। इस कंपनी के पास आपको क्या मिलेगा, 30+ प्रोडक्ट मिलेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और वेटनरी प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्री हो या थोड़ा बहुत पार्ट टाइम काम करना चाहते हो इस कंपनी के अंदर, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप इस कंपनी की कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो। ज्यादा जानकारी पाने के लिए लिंक को चेक करें, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल मैप की लोकेशन सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बॉस देने नंबर रेंज दिया कारा, जदों यट निकले तक दिया नारा, तेरे टोन गेड़ा एक ही बथेरा। चलो गामा गामा दुपुर गोड़े गेट मूरे खड़ा सी, कॉलेज दी जिंदगी दा चेता आउंदा बड़ा सी, कई सालां बाद अज गेट। क्या हुआ भाई, उदास क्यों खड़ा? अरे क्या होना था यार, कॉलेज खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या बता क्या करेंगे भाई? यार तू क्यों टेंशन ले रहा है अभी? चल आपा कहीं चाय पीते हैं और बाद में सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, चल ठीक है, तू टेंशन ना ले। चल बात तेरी सही है प्रेम, पढ़ाई तो अपनी खत्म हो गई, अब मेरे तो पापा की परचून की दुकान है, मुझे तो सारी उम्र उसी में रहना पड़ेगा, वही संभालनी पड़ेगी। यार बात तो तेरी सोनू सही है, मेरे पापा भी खेती का काम करते हैं, वही यार रोना पिटना रहेगा, सारा दिन खेत में लगा रहना पड़ेगा। तेरे पास यार कोई स्कीम है तो बता। हाँ यार प्रेम, मेरे पास एक स्कीम तो है, पर उससे पहले अपन दो गिलास जूस पी लेते हैं। भाई दो गिलास जूस लेके आना रे। देख भाई, मेरे पास तो एक स्कीम है खुद की, मैं ऐसे करूँगा, एक तो भैंस लेके आऊँगा, ठीक है, उसका दूध निकालेंगे, उस दूध बेचेंगे, एक से दो लेके आएंगे, दो से धीरे धीरे चार लेके आएंगे, घी दूध दोनों बेचेंगे, ठीक है, दो से चार, चार से आठ, ऐसे अपना बड़ा डेयरी फार्म खोल लेंगे खुद का। मेरी तो यही स्कीम है करने। ठीक है यार, सही है ना? तो अच्छा है, मेरी तो यही स्कीम, मैं तो यही काम करूँगा। हाँ भाई यार, तेरी स्कीम तो सही है। हाँ, मैं भी यार घर जाकर घर वालों से बात करूंगा, शायद वो मान जाए। सही है, फिर चलें, अब लेट हो रहे हैं। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अपने अपने घर को, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है भाई, मेरी भी लास्ट बस जाने वाली है। ओके। क्या बात है बेटा, उदास कैसे बैठे हो? हाँ बेटा, क्या बात है, पढ़ाई खत्म हो गई क्या? काम धंधा नहीं करना है क्या? मुझे काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है और पैसे के क्या करना है बेटा? मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है। ऐसा क्या काम पड़ गया बेटा, ऐसा क्या करेगा पैसे से, इतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? हाँ बेटा, मैं शाम तक तुम्हारे को पैसे लिया कर देता हूँ, और तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, और 50,000 रुपये का जुगाड़ करेंगे किसी से, ठीक है? ठीक। चौधरी साहब घर पे हो क्या? ये ले बेटा पैसे 50,000 रुपये, और अपना काम शुरू कर।
वांग टूट दिया टाइम ता लगदा। ठीक है, कैसे टेंशन में दिख रहे हो? अरे यार टेंशन में ले गया लेके आया था, ये दूध नहीं देती। दूध नहीं देती? दूध तो मेरे वाली भी नहीं देती थी, मैंने ये पाउडर दिया दूध बाल्टी से बाल्टी भरी जा रही है। जी आ रहा है ये दूध वाला पाउडर है। जाइलम फार्मा कंपनी का जाइलम वेट केयर दूध बताओ पाउडर ये दिया करो। ठीक है भाई। चल भाई ये तू रख, मैं तो और ले आऊंगा। चल ठीक है भाई, कल से यही देंगे बाल्टियां भरेंगे दूध की। ठीक है भाई। ठीक है। हटिया सी पिछे छाल लाउण नू मैं कदे भी मदान नहीं सी छटिया, सुनूगा खड़का वजी सट दा जो फटिया च किल गया गटिया, सुनूगा खड़का वजी सट दा जो फटिया च किल गया गटिया। क्या हाल है प्रेम भाई? बढ़िया भाई, खूब मेहनत कर रहा है। वो तो यार करनी थी। तो अपना शरीर का भी ध्यान रखा करना, कितना दुबला पतला हो रहा है। तो यार और क्या करें, तू ही बता दे। एक मिनट रुक भाई, मैं तेरे को दवा ला के देता हूँ। जाइलम जेड जिगर एवं हाजमे के लिए बहुत उत्तम है, तेरे शरीर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सच्ची यार? हाँ, एक जोया ब्रेम जो डॉक्टर बताते हैं बादाम खाने से दिमाग अच्छा चलता है, तो दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा यार, थैंक यू यार, ये तो बहुत। ये तो यार उसी कंपनी की नहीं जिस कंपनी का तुमने मुझे पाउडर दिया था पशुओं का दूध बताने के लिए? वही है भैया। यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है यार, ऐसे पशुओं का दूध बाल्टी भर भर के बेचता हूँ मैं। ठीक है, इनसे शरीर बहुत अच्छा। ठीक है दोस्त, फिर मैं इनके तुम्हें पैसे शाम तक पहुँचा दूँगा। ठीक है प्रेम भाई, तेरे को अच्छी सी रेह देता हूँ, तू लोगों के घर घर जाके दूध दे के आता है, तू अपनी खुद की डेयरी क्यों नहीं खोल लेता? हाँ यार तू भाई बात तो सही कह रहा है। चल ठीक है भाई, मैं आज सोच विचार करता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। अंकित भाई ये तो मेरा दोस्त है सोनू जो साथ बढ़ता था, गाड़ी रोक। बॉस देने नंबर इंज दिया कारा जदो यट निकले तक दिया नारा तेरे टोन गेड़ा एक ही बथेरा मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले। ये मेरा भाई अंकित है। हेलो,
और तू यार, तू तो बड़ा भी बन गया यार। बस वही तेरी बताई हुई पुरानी स्टोरी। कौन सी? वही भैंस वाली यार। अच्छा, तू यार इन स्थितियों में कैसे? अरे यार मैं क्या करूँ, मैंने तब घर जाके वो आइडिया बताया था ना भैंस वाला। हाँ। तो मेरे मामा के बुआ के लड़के बैठे थे। फिर क्या हुआ? मेरी भैंस लाने से पहले ही मार दी। अच्छा यार, चल बैठ कर बात करते हैं। यार उन्होंने तुम्हारी भैंस कैसे मार दी ये तो बता। अंकल जी मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है। 50,000 रुपए लेकर बेटा क्या करेगा? मैं 50,000 की भैंस लेके आऊंगा। पहले एक लेके आएंगे, फिर दो, फिर चार, ऐसे करके डेयरी फार्म खोलेंगे और बड़े करोड़पति बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है बेटा तेरा, चल कोई नहीं मैं कर देता हूँ 50,000 का। अंकल जी ये आप क्या कर रहे हो? कैसे? इसे 50,000 रुपए देकर बहुत बड़ी गलती करेगा। कैसे? इसको 50,000 रुपए दे रहे हो और भैंस लेने को कह रहे हो, जो कल आते ही वो भैंस मर गई, तो आपके 50,000 रुपए तो मिट्टी हुए ना। सोचने की बात आई है। बात तेरी ठीक है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं सोचूंगा, जरूर सोचना। हाँ सुनो बेटा, मैं तेरे लिए कोई और काम देखूंगा। अगर तू कल भैंस लाएगा लाते को तो मेरे 50,000 मिट्टी हो जाएंगे, मेरे को माफ। यार तुम यहाँ पर क्या करते हो? यहाँ पे मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। कितनी दिन का देते हैं यार तुम? दिन का 6,000। वैसे यार इतने से क्या होता है? टाइम पास हो रहा है। तू यार ये छोड़ है। अच्छा। तू मेरे साथ आ, हम दोनों भाई मिलकर बिजनेस करें। चल फिर चलते हैं। चल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने। तो हे गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो से हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो तीसरा थर्ड पर्सन होता है ना, जो टांग खींचने वाला, भैंस मारने वाला, इससे आप दोस्तों बच के रहिए। क्योंकि कोई भी काम आपको अगर करना है तो उसके अंदर पैसे आपके पेरेंट्स के लगने हैं और काम आपको खुद को करना है। तो ये जो तीसरा इंसान होता है ना, भैंस मारने वाला, जिसे हम टांग अड़ाने वाला या कुछ भी अदर कह देते हैं, इससे बच के रहिएगा। तो दोस्तों पिछली वीडियो पे आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। उसी वीडियो के तरीके इस वीडियो पे भी प्यार बनाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ढेर सारी वीडियो पाने के लिए। और आपको पता है इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था जाइलम फार्मा कंपनी ने, ठीक है। अगर आप इस कंपनी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखना चाहते हो या आपको इंटरेस्ट है काम करने में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम, तो लिंक के अंदर आपका उसका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, सब लोकेशन गूगल मैप की, नंबर कॉन्टैक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। बाय बाय बाय।